स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति नगरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त क्या है और अगर हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, स्थापना करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। भगवान गणेश का जन्म भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन हुआ था। इस वजह से इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी शनिवार को यानी कि 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। पूजा का समय मध्य रात्रि 11 बजे से लेकर 1:42 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि 21 अगस्त को रात के 11 बजे से ही शुरू हो जाएगा। गणेश जी का विसर्जन मंगलवार यानी 1 सितंबर को होगा। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजमान करने से वो भक्तों के सभी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। इसी कारण से गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश की स्थापना के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति का मुख दरवाजे की ओर नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है भगवान गणेश के मुख की ओर सौभाग्य, सिद्धि और सुख होता है। गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए और उन्हें पंचमेवा और मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश को फूल माला रोली अर्पित करें और गणेश जी के सामने अखंड ज्योति जलाएं और इस ज्योति को दाईं ओर रखें। भगवान गणेश के सामने अखंड ज्योति विसर्जन वाले दिन तक जलाए रखना चाहिए। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरी हर वीडियो को देख पाओ। आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गणपति बप्पा।